नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कोरबा रेलवे स्टेशन को अब कई सारी सुविधाएं दी जानी है और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के लोगों की भी कई मांगे हैं जिनको भारतीय रेलवे द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब क्षेत्र के लोगों की बहुत सी मांगे ऐसी हैं जो कि पूरा होने वाली है। आपको बताते चलें कि इस कड़ी में कोरबा से बीकानेर के बीच में जो नई ट्रेन चलाने की मांग हो रही थी, ये मांग बहुत पहले से हो रही थी। अब मान के चलिए कि ये नई ट्रेन शुरू होने वाली है। कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम अभी देने वाले हैं। इनके अलावा जबलपुर से इतवारी के बीच में एक नई ट्रेन चलाने की सौगात रखी गई थी। जबलपुर इतवारी ट्रेन वाया शहडोल के रास्ते नागपुर जाएगी। इस ट्रेन का प्रस्ताव शहडोल की माननीय सांसद हिमांद्र सिंह जी के द्वारा दिया गया था और रेल मंत्री जी ने 6 महीने के लिए ट्रायल वर्जन में जबलपुर इतवारी ट्रेन को ट्रायल के रूप में चलाने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। लेकिन उसके बाद भी किसी वजह से जबलपुर इतवारी ट्रेन को शुरू नहीं किया गया था। लेकिन अब जबलपुर इतवारी नई ट्रेन भी शुरू होने वाली है। इनके अलावा अंबिकापुर से मुंबई के बीच में ये बहुत ही पुरानी मांग थी कि अंबिकापुर से मुंबई के बीच में नई ट्रेन को शुरू किया जाए, तो अंबिकापुर मुंबई नई ट्रेन की सुगबुगाहट भी अब सुनने को आ रही है कि ये ट्रेन भी अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इनके अलावा अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में जो ट्रेन शुरू हुई थी रेणुका सिंह जी के प्रयासों से, इस ट्रेन को एसी ट्रेन बना के चलाया गया, यानी कि इस ट्रेन में पूरा वातानुकूलित कोच दिए गए। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल क्लास के कोच नहीं दिए गए थे, तो अब इस ट्रेन के कोच कम्पोजिशन को भी बदला जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से आज के इस वीडियो में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि कोरबा बीकानेर नई ट्रेन की आपको जानकारी बता देते हैं। आपको बताते चले कि श्री खाटू श्याम जी के नाम से बीकानेर कोरबा बीकानेर नई ट्रेन को लेकर लंबे समय से रेल संघर्ष समिति कोरबा द्वारा मांग की जा रही है। यानी कि मांग की जा रही थी कि कोरबा से बीकानेर के बीच में एक नई ट्रेन शुरू हो और इस ट्रेन का नाम श्री खाटू श्याम रहे, यानी कि खाटू श्याम के नाम से ये ट्रेन शुरू हो। इस ट्रेन को चलाने की मांग छत्तीसगढ़ में भी नहीं बल्कि राजस्थान के जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल कोरबा से बीकानेर के बीच में एक नई ट्रेन को शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बीकानेर और कोरबा ये दोनों आपस में मिल जाएगा, यानी कि राजस्थान से छत्तीसगढ़ आपस में मिलेगा। इतना ही नहीं, हाल ही में जयपुर में आयोजित हुई उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में ZRUCC मेंबर्स ने भी समर्थन किया है कि कोरबा बीकानेर ट्रेन को शुरू किया जाए। साथ ही इस ट्रेन को जल्दी शुरू करने की प्रक्रिया पर काम करने उत्तर पश्चिम जोन जयपुर के GM से मांग की गई कि जल्द से जल्द इस ट्रेन को शुरू किया जाए। यानी कि बीकानेर कोरबा बीकानेर नई ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति के संयोजक रामकिशन अग्रवाल जी ने जनप्रतिनिधियों का समर्थन पत्र लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस मांग को समर्थन देने वाले दोनों सांसदों में कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना महंत जी और बीकानेर के सांसद व केंद्र सरकार में सांसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ आमोर विधायक व राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, रतनगढ़ के विधायक अभिनेश महर्षि जी, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह जी और बीकानेर से ZRUCC मेंबर्स नीरेश मित्तल जी, मंडी डाबली हरियाणा से मेंबर सुरेश मित्तल जी, गोहाना सोनीपत हरियाणा के बलवान जुंगड़ा जी, गुरुग्राम से मेंबर निशा शर्मा शामिल थी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस मांग पर समर्थन दिया है कि कोरबा से बीकानेर के बीच में एक नई ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आपको बताते चलें कि जो नरेश मित्तल जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि बीकानेर कोरबा बीकानेर नई ट्रेन को चलाने की मांग जयपुर में आयोजित हुई है। ये 20वीं ZRUCC की बैठक में उठाते हुए राजस्थान छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रांत विशेष के लोगों के अलावा खाटू श्याम के भक्तों के साथ छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलों तथा आने जाने वालों के लिए सुविधाजनक बताया गया है। आपको बताते चले कि राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधायक को भी ज्ञापन सौंपकर नई ट्रेन चलाने में मदद करने की मांग की गई। पूनिया ने रेल संघर्ष समिति को आश्वासन किया है कि वो भी चाहते हैं कि दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन कोरबा तक चले। उन्होंने कहा कि बीकानेर कोरबा नई ट्रेन की मांग को सांसदों के समक्ष रखेंगे, साथ ही उनसे इस ट्रेन को चलाने के लिए मदद करने की मांग करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से पहले बीकानेर कोरबा नई ट्रेन शुरू होगी। इनके अलावा आपको बता चले कि बीकानेर कोरबा बीकानेर नई ट्रेन के लिए रेल संघर्ष समिति की ओर से
रामकिशन अग्रवाल जी पटस्कार के साथ बीकानेर से ZRUC मेंबर नरेश मित्तल ने संयुक्त रूप से तकनीकी पक्ष रखते हुए इस ट्रेन को शुरू करने की मांग की है। इस पर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक जिनको CPTM कहा जाता है श्री सुनील गुप्ता जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही एग्जामाइन कर नई ट्रेन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा और इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया गया है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा। और इस नई ट्रेन को शुरू करने का समर्थन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि और राजस्थान के जनप्रतिनिधियों का है, इस वजह से मान के चलिए कि इस ट्रेन को अब शुरू किया जाएगा। और वैसे भी चुनावी माहौल अब चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से पहले पहले तक भी कनेर कोरबा एक नई ट्रेन ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि अब इस ट्रेन को चलाने का किसी भी प्रकार का कोई भी समय सारणी नहीं बनी है कि इस ट्रेन को अभी किस रूट से ले जाया जाएगा। ये प्रस्ताव बनाया है जो कि पूरी तरीके से आश्वासन दे दिया गया है कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू करेंगे और 100% शुरू करेंगे, ऐसा आश्वासन रेल अधिकारियों की तरफ से भी दे दिया गया है, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी दे दिया गया है। इस वजह से मान के चलिए कि बीकानेर कोरबा ट्रेन अब बहुत ही जल्द शुरू होगी। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।